बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज तारीख है 29 मार्च और दिन है पीर का। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक बहुत ही हैवी वेट खिलाड़ी को अपनी काबीना से बाहर कर दिया है। काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ होने वाली है। आज पूरा दिन वज़ीर आज़म इमरान खान बनी गाला में रहे। करंटीना के दौरान भी उनकी बहुत अहम मुलाकातें हुई और इन्हीं सारी मुलाकातों को कवर करने के लिए मैं खुद भी पूरा दिन आज बनी गाला में ही मौजूद रहा हूँ और वहाँ क्या एक्टिविटीज़ होती रहीं उनको कवर किया है। हफीज़ शेख तो फारिग कर दिए गए, उनकी जगह हमाद अज़हर को लाया गया, लेकिन कुछ बड़ी तब्दीलियां कार्ड्स पर या पेपर पर मौजूद हैं जो कुछ दिनों में सामने आने वाली हैं। मामूल के मुताबिक कल यानी मंगल के रोज़ वफाकी काबीना का इजलास होना था, जिसे ऐन लम्हात पर मनसूख कर दिया गया है। अब ये इजलास जुमेरात के दिन होगा। इस इजलास से पहले पहले ये कुछ तब्दीलियां मुकम्मल करना थी। हफीज़ शेख क्यों फारिग हुए, क्या उन्होंने खुद रिज़ाइन दिया या वज़ीर आज़म ने उनसे रिज़ाइन लिया, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ शिबली फराज़ की वजारत भी ख़तरे में है। शिबली फराज़ की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई और जब वो मुलाकात करके निकले तो मेरी भी उनसे बातचीत हुई। मैंने उनसे इस हवाले से पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी आगे चल के बताऊँगा। और क्या फवाद चौधरी साहब की एंट्री होने वाली है किसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ या नहीं, आज उनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने क्या बताया इस हवाले से वो भी आपके सामने रखूंगा। एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की जानिब से शुरू किया जाने वाला माहौलियात से मुतालिक मंसूबा अब दुनिया के नक्शे पर उभरेगा। माहौलियात से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को अमेरिका की जानिब से साइडलाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से आज एक अहम पेशरफ सामने आई। जब कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने टेलीफोन किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तान ने अब तक माहौलियात से मुतालिक जो कुछ किया है वो उनके तजुर्बात से इस्तफादा करते हुए अपना बिलियन ट्री मंसूबा लॉन्च करने वाले हैं। ग्रीन इनिशिएटिव उसको नाम दिया गया है। अब मिडल ईस्ट में और सऊदी अरब में ये शुरू किया जाएगा। इसकी क्या तफसीलात है वो भी आपसे शेयर करूंगा। सऊदी किंग ने वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन में और क्या क्या कुछ कहा ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मलिक अमीन असलम जो माहौलियात के वज़ीर भी हैं वो इस टेलीफोनिक कन्वर्जेशन के दरमियान वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने मुझे क्या बताया उसी कमरे से बाहर निकल कर वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन मेरा ख्याल है आज का चूँकि हॉट टॉपिक इस वक्त काबीना में तब्दीलियों से मुतालिक है और बहुत सारी अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही होंगी, तो उन अफवाहों पर कान धरने की बजाय जो ऑथेंटिक 100% कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वक्त कौन सा खिलाड़ी कहाँ पर खेलेगा, किस पोजीशन पर खेलेगा, वज़ीर आज़म इमरान खान के सिवा या उनके चंद दो तीन करीबी लोगों के अलावा ये बात किसी को मालूम नहीं है। ना वज़ीर को ख़ुद ये पता है कि वो कहाँ पर बैटिंग करेगा, ना किसी वज़ीर मुमलिकत को ये मालूम है कि वो कहाँ पर फील्डिंग करने जा रहा है। किसी को ये नहीं पता कि किस टाइम उसकी छुट्टी हो जाए। सबके ऊपर तलवारें लटक रही हैं और मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, होती तो ऑफ द रिकॉर्ड है बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन चलो बताता हूँ कि बहुत सारे वज़ीर हमें ख़ुद फ़ोन कर रहे हैं कि क्या पोजीशन है, क्या हो रहा है, क्या हम महफूज हैं या नहीं, मतलब इशारों किनारों में पूछ रहे हैं। उनको खुद ये बात मालूम नहीं है कि उनकी किसी भी वक्त छुट्टी हो सकती है या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हफीज़ शेख साहब की। वज़ीर आज़म की जानिब से कितने इजलासों में, कितनी तकारीर में और कितनी बार ये आपसे कहा गया कि मईशत दुरुस्त सिमत में चल रही है, और कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि मईशत अपने ट्रैक पर है और पाकिस्तान अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद हफीज़ शेख का यूँ अब उनको उनके ओहदे से हटाया जाना एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या फिर मईशत ठीक काम नहीं कर रही थी। तो इत्तलात यही है और मेरी वज़ीर आज़म ऑफिस के मुस्तनद ज़राए से बात हुई और उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म ने हफीज़ शेख से इस्तीफ़ा तलब किया है, यानी उन्होंने खुद अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ा बल्कि वज़ीर आज़म की जानिब से उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया आज। और ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म नाखुश थे उनकी कारकर्दगी से, ख़ास तौर पर बहुत सारे मालियाती इदारों से लेन देन के मामलों पर वज़ीर आज़म को तहफ़ुज़ात थे और कुछ मामलात ऐसे आगे बढ़ाए गए हुकूमती प्लेटफॉर्म से जिसको वज़ीर आज़म नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें इस तरह की ब्रीफिंग्स दी गई, उन्हें ये बावर कराया गया कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना चारा नहीं है, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने भी हामी भरी, लेकिन उसका अल्टीमेट असर मईशत पर भी पड़ा और आम आवाम पर भी पड़ा। ख़ास तौर पर महंगाई के मामलों से मुतालिक वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा नाराज़ भी थे, परेशान भी थे कि ये मामला
सिलसिला कहीं ना कहीं रुकना चाहिए या थमना चाहिए। तो आज इस सिलसिले का एक तरह से इख्तिताम इस सूरत में नज़र आ रहा है कि हफीज़ शेख साहब को उनकी ज़िम्मेदारियों से हटा दिया गया है, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है। हमाद अज़हर को यह ज़िम्मेदारी दी गई है। यंग हैं, टैलेंटेड हैं और मईशत से मुतल्लिक काफ़ी मामलों पर बहुत ज़बरदस्त ग्रिप रखते हैं। वो किस तरह से इस ज़िम्मेदारी को निभाएंगे, क्योंकि असद उमर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी ऑलरेडी वज़ीर आज़म के पास है। दोबारा असद उमर को ज़िम्मेदारी ना दिए जाना भी एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या हमाद अज़हर असद उमर से ज़्यादा बेहतर वज़ीर ख़जाना साबित हो सकता है या नहीं। आने वाले दिनों में उनको कारकर्दगी से साबित करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो ऑन पेपर ऑन कार्ड कुछ बड़ी तब्दीलियाँ इस वक्त वज़ीर आज़म सोच रहे हैं, उनमें वज़ारत इत्तलात और वज़ारत पेट्रोलियम से मुतालिक है। वज़ीर आज़म ने फैसला किया है और एक मॉडल बनाया गया है कि इत्तलात और नशरियात, चूँकि ये वज़ारत का नाम है वज़ारत इत्तलात और नशरियात, तो इसका मतलब है इसमें दो महकमे हैं, एक इत्तलात का दूसरा नशरियात का। वज़ीर आज़म चाहते हैं इस महकमे को डिवाइड कर दिया जाए और शिबली फराज को इस महकमे से निकाल कर पेट्रोलियम का कलमदान दे दिया जाए, क्योंकि दो तीन दिन पहले नदीम बाबर को फारिग कर चुके हैं। और आप में से बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि शिबली फराज साहब की जो असल उनकी ग्रिप है या असल उनका जो नॉलेज है वो एनर्जी पेट्रोलियम इन महकमों से मुतालिक है, जिसके ऊपर वो बहुत लंबी सैर हासिल तहकीक कर चुके हैं। उनकी रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में पेश की जा चुकी है, इसलिए शिबली फराज को वजारत पेट्रोलियम का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। अब क्वेश्चन ये है कि शिबली फराज की जगह पर कौन आएगा, तो इस बारे में चूंकि ये दो महकमे हो जाएंगे वजारत इतलात और नशरियात का, तो इतलात और नशरियात का अलग अलग वजीर मुमलिकत जो है वो अपॉइंट किए जाने पर गौर हो रहा है। ये एक मॉडल इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की टेबल पर मौजूद है और इन दो वज़ीर मुमलकत के लिए फैसल जावेद और फरूख हबीब, इन दो लोगों के नाम पर गौर किया जा रहा है जो इस वजारत को संभालेंगे। लेकिन चूंकि ये वज़ीर मुमलकत होंगे तो इनके ऊपर एक इंचार्ज मिनिस्टर लाए जाने पर बात हो रही है। अब ये इंचार्ज मिनिस्टर कौन हो सकता है, इसके ऊपर अभी बहस चल रही है। कुछ लोगों की राय है कि फवाद चौधरी साहब को वापस लाया जाए बतौर इंचार्ज मिनिस्टर, लेकिन फवाद चौधरी साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस वक्त छोड़ने के मूड में नहीं है और वो ये चाहते हैं कि उनको अगर लाना है तो फिर इजाफी ज़िम्मेदारी के साथ लाया जाए, बसूरत दीगर वो नहीं आना चाहते। अब देखते हैं कि शिबली फराज साहब अपनी यही वजारत रिटेन करते हैं या उनको पेट्रोलियम में भेजा जाता है और इतलात और नशरियात को अलग अलग दो टुकड़ों में अगर डिवाइड कर दिया जाता है तो क्या ये बेहतर फार्मूला होगा या नहीं, आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक अच्छी खबर पर बात करते हैं, पाकिस्तान का माहौलियात से मुतालिक मनसूबा जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुरू किया, लॉन्च किया, अब ये मनसूबा दुनिया के नक्शे पर आएगा। किस तरह से आएगा, क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से माहौलियात से मुतालिक अब तक का सबसे बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया गया है और मिडल ईस्ट में ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया गया है सऊदी अरब की जानिब से। उसमें होगा क्या, 10 अरब दरख्त सऊदी अरब अपने मुल्क में लगाएगा और 50 अरब दरख्त मिडल ईस्ट पूरे में लगाने की मनसूबाबंदी की गई है। लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए उसके पास ना तो तजर्बा है और ना ही वो महारत जो इस वक्त पाकिस्तान के पास है। तो इस सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान को खुद टेलीफोन किया और टेलीफोन करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को उस मंसूबे का शराकतदार बनने की दरख्वास्त की है और ये ख्वाहिश का इजहार किया कि इस मंसूबे में वो पाकिस्तान के तजर्बात से इस्तफादा करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा जेस्चर है, एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका की जानिब से माहौलियाती समिट से पाकिस्तान को बाहर रखा गया, ये जानते बूझते हुए भी कि पाकिस्तान का माहौलियात से मुतालिक मामलात में बहुत अहम किरदार रहा है, पाकिस्तान को क्यों बाहर रखा गया, ये क्वेश्चन दो दिन से रेज़ हो रहा था। इसके ऊपर मैंने भी आपके सामने अपना पॉइंट रखा और आज मलिक अमीन असलम जो वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी ब्राय माहौलियात हैं उनसे भी मैंने ये क्वेश्चन किया कि क्यों पाकिस्तान बाहर रहा। उन्होंने उसकी वैलिड रीज़न्स बताई हैं जिसको सुनने के बाद मुझे लगा कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मैं आपके सामने भी रखूंगा। और खास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम से इस ग्रीन इनिशिएटिव से मुतालिक क्या बात की उससे मुतालिक भी उन्होंने बताया। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से टेलीफोन किए जाने से चंद लम्हात पहले वजीर आजम इमरान खान ने उन्हें एक खत तहरीर किया और उस खत में ना सिर्फ उनके इस ग्रीन इनिशिएटिव को सराहा बल्कि पाकिस्तान की जानिब से जो कुछ किया गया उस बारे में भी उन्हें बताया कि पाकिस्तान 2014 से लेकर 2018 तक 1 अरब दरख्त लगा चुका है और 2023 तक मजीद 10 अरब
दरख्त भी लगाने का इरादा रखता है। ऑल दो के अमेरिका की जानिब से इस सारे चीज़ से पाकिस्तान को बाहर रखा गया, लेकिन पाकिस्तान ने राइट टाइम पे बड़ी अच्छी मूव की कि सऊदी अरब को इन्वॉल्व किया और उसका फौरन जवाब आया। उन्होंने टेलीफोन किया, वज़ीर आज़म की खैरियत दरियाफ्त की और साथ ही ऐलान किया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर इस मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने वज़ीर आज़म को दौरा सऊदी अरब की दावत भी दिया, जिसे वज़ीर आज़म ने कबूल किया है और बहुत जल्द वो सऊदी अरब का दौरा करने का इरादा रखते हैं। और अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो आपके और मेरे जहनों में था कि अमरीका ने पाकिस्तान को बाहर रखा तो रखा क्यों इस समिट से। तो उसका जवाब यह है कि अमेरिका ने उन ममालिक को इनवाइट किया है जो या तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने का सबब बन रहे हैं या फिर उन ममालिक में इतना ज़्यादा पोल्यूशन आ चुका है कि उनके वजूद को ख़तरा लाहक हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इन दोनों ममालिक में नहीं है। पाकिस्तान आलूदगी से या पोल्यूशन से मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में 5वें नंबर पर है, लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल नहीं है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं जिसकी वजह से उनके अपने वजूद को ख़तरा लाहक हो जाए। तो आज मलिक अमीन असलम साहब से मेरी इस हवाले से बात हुई, उन्होंने क्या कहा ये आप सुनिए और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मलिक साहब, ये कितनी बड़ी कामयाबी, एक तरफ हमें अमेरिका की उस समिट से बाहर रखा गया पाकिस्तान को, लेकिन दूसरी तरफ हमारे इनिशिएटिव को अब दुनिया में रिकग्नाइजेशन मिल रही है और सऊदी अरब उसको लॉन्च करने जा रहा है बिलियन ट्री प्रोजेक्ट को, ये कितनी बड़ी कामयाबी है हमारी। बिल्कुल, ये अल्लाह का फजल है कि बहुत बड़ी ये एक अचीवमेंट है कि दुनिया के लिए हम एक मशरे राह बने हुए हैं और जो हम एक क्लाइमेट एक्शन प्रोवाइडर बन रहे हैं। मैं पिछले 15 साल से क्लाइमेट की समिट्स के ऊपर जा रहा हूँ, ये कॉन्फ्रेंसेस, इन पे बातें बहुत होती हैं लेकिन अमली काम बहुत कम होता है। तो पाकिस्तान ने दुनिया को अमली काम करके दिखाया है और ग्राउंड पे करके दिखाया है। इसी सिलसिले में ये बड़ी अच्छी एक खबर कल आई कि जो सऊदी वली अहद हैं उन्होंने भी एक ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से लॉन्च किया और उसके जो चार जुज्व हैं वो इंटरेस्टिंगली वही चार जुज्व हैं जो पाकिस्तान में हमने शुरू किए हुए हैं। उन्होंने एक 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसके बाद प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव जो हम यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं उसको उसी तरह उन्होंने स्टार्ट किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको ख़त भी लिखा, उनको मुबारकबाद पेश की, एक्नॉलेज किया कि सऊदी अरबिया ने एक लीडरशिप रोल लिया और उनको कहा कि हमारे हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी कर सकते हैं आपसे। तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की बात भी हुई है सऊदी वली अहद से, उन्होंने उनकी सेहत का पूछने के लिए फ़ोन किया तो उस पर भी बता रहे थे कि एनवायरनमेंट के ऊपर भी बात हुई है और इंशाल्लाह पाकिस्तान और सऊदी अरबिया जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सऊदी वली अहद को फ़ोन किया गया और बिलियन ट्री मंसूबे ने फ़ोन सऊदी वली अहद की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन किया गया उनकी सेहत का पता करने के लिए और उस पर उन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर भी बात की है और उन्होंने बताया कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान और सऊदी अरबिया इस पर कोलैबोरेशन भी करेगा। 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पे पाकिस्तान और सऊदीया कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोलैबोरेट करेंगे और हमारे ब्रदरली रिलेशनशिप्स हैं सऊदी अरबिया के साथ और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे एक ही हमारा नज़रिया भी है और एक ही पैशन भी है और इंशाल्लाह हम इसमें बिल्कुल कोलैबोरेट करेंगे अपनी नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और पार्टनरशिप के साथ। आखिरी सवाल सर, देखने वालों को थोड़ी कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे कि पाकिस्तान उन 40 ममालिक के समिट में क्यों नहीं है जिसको अमेरिका ने बुलाया, क्या पाकिस्तान माहौलियात के लिए बेहतर नहीं कर रहा या कोई और रीज़न थी? देखिए, इसमें ये अमेरिका की जवाबदेही थी कि वो किसको मनाना चाहता है। जो वो लिस्ट अगर आप देखें तो उसमें ज़्यादातर तो वो ममालिक हैं जो कि इस मसले को पैदा करने में जिनका हाथ है, पाकिस्तान उन ममालिक में नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान का उसमें हाथ नहीं है। दूसरे कुछ ऐसे ज़्यादा ममालिक हैं जो कि छोटी आइलैंड स्टेट्स इनको कहते हैं, जो जिनके अपना वजूद ख़तरे में है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनको। पाकिस्तान अल्लाह का फजल है मुतासर बहुत है, इकोनॉमिक लॉसेस हमें बहुत हो रहे हैं लेकिन हमारा वजूद ख़तरे में नहीं है क्लाइमेट चेंज से, तो पाकिस्तान उनमें भी नहीं आता। फिर कुछ उन्होंने ममालिक बुलाए हैं जिनको वही एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों बुलाया है। पाकिस्तान तो देखें उस टेबल के ऊपर क्लाइमेट एक्शन लेके जा सकता था, क्या क्लाइमेट सॉल्यूशंस लेके जा सकता था और ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, पहली है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह और भी होंगी, लेकिन जो फॉर्मल नेगोशिएशन प्रोसेस है वो होता है यूएन के ऑस्पिशियस के अंदर और उस फॉर्मल नेगोशिएशन प्रोसेस में जो कि ग्लासगो में होना है, पाकिस्तान उन 6 ममालिक में शामिल है जो कि उस पूरे इस प्रोसेस को ओवरसी करेंगे और उसकी नेगोशिएशन को लीड करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपके जहनों में उठने वाले सवाल अब ख़त्म हो चुके होंगे कि क्यों अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया गया और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो मंसूबा है वो किस तरह से माहौलियात से मुतालिक आगे बढ़ेगा। ये एक अच्छी पेशकश है, अच्छी पेशरफ्त है बल्कि पाकिस्तान के लिए कि एक बड़े प्लेयर को साथ मिलाकर वो पैगाम दे रहा है कि हम माहौलियात से मुतालिक इकदाम में पीछे नहीं हैं। आज तक के लिए इतने ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।